और इधर ट्विटर पर लगातार वॉर चल रही है। सीएम भूपेश बघेल ने फिर एक और ट्वीट किया है। ट्वीट कर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधा है। कहा है, वंस अपॉन अ टाइम भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह उवाच। ये दो लाइन उन्होंने लिखी है, वंस अपॉन अ टाइम और भ्रष्टाचार के अंतर्राष्ट्रीय पितामह। जब से सीएम भूपेश बघेल पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एटीएम शब्द का इस्तेमाल किया है, तब से लगातार ट्विटर वॉर चल रही है। तो सीएम भूपेश और रमन सिंह के बीच ये ट्विटर वॉर लगातार जारी है, ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं। सीएम भूपेश सोनिया के एटीएम वाले बयान के बाद ट्विटर पर लगातार आपको ट्वीट देखने को मिलेंगे। सीएम भूपेश ने रमन को भ्रष्टाचार का अंतर्राष्ट्रीय पितामह बताया। छत्तीसगढ़ को बदनाम करेंगे, ये नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि कौन किसका एटीएम है इसका प्रमाण तो देना पड़ेगा। नान की डायरी में नागपुर से लखनऊ तक का जिक्र है। जनता जानना चाह रही है कि स्वाइप मशीन से हस्तांतरित हुए थे। भूपेश रमन सिंह ने एक दूसरे पर यह ट्वीट करके निशाना साधा है। तो भूपेश ने एटीएम बनकर सीएम का मतलब कलेक्टिंग माफिया समझ लिया है। रमन सिंह ने फिर ट्वीट किया, कोयला घोटाले की चैट सार्वजनिक हो जाए। ये रमन सिंह कह रहे हैं, एटीएम का पैसा कहां कहां कैसे कैसे पहुंचा जनता अच्छी तरह से जान रही है। ये रमन सिंह ने लिखा है। सीएम भूपेश और रमन सिंह के बीच लगातार ट्विटर वॉर चल रही है। सीएम भूपेश सोनिया के एटीएम वाले बयान के बाद ट्विटर पर लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ को बदनाम करेंगे, ये नहीं चलेगा, सीएम भूपेश बघेल ने लिखा। तो दूसरी तरफ कौन किसका एटीएम है इसका प्रमाण तो देना पड़ेगा, सीएम भूपेश बघेल ये लिख रहे हैं। नान की डायरी में नागपुर से लखनऊ तक का जिक्र है। जनता जानना चाह रही है कि स्वाइप मशीन से हस्तांतरित हुए थे, किस स्वाइप मशीन से। और दूसरी बात यह कि इधर से फिर रमन सिंह ने ट्वीट किया भूपेश बघेल पर, एक बड़ा निशाना साधा। भूपेश ने एटीएम बनकर सीएम का मतलब कलेक्टिंग माफिया समझ लिया है। कोयला घोटाले की चैट सार्वजनिक हो जाए। एटीएम का पैसा कहां कहां कैसे कैसे पहुंचा जनता अच्छी तरह जानती है। कोई नई बात आपके लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। फिर से दोहरा रहा हूं, भूपेश बघेल कांग्रेस सोनिया गांधी का एटीएम है। अवैध वसूली हो रही है, मैं लगातार एक साल से बोल रहा हूं। 25 रुपया प्रति टन कोयला के ऊपर से वसूली लगातार वर्षों से हो रहा है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपया टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे अन्यथा सार्वजनिक उससे माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। तो लगातार एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट किए जा रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया कि पूर्व सीएम रमन सिंह पर वो पलटवार करते हैं। रमन सिंह तो ईडी के प्रवक्ता बनकर घूम रहे हैं। उनको बताना चाहिए कि किसके घर में क्या मिला। जहां जहां चुनाव होते हैं वहां वहां छापा पड़ता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह से पूछा है, कई सवाल पूछे हैं। पनामा मामले में रमन सिंह के बेटे का नाम सामने आया, उन पर जांच क्यों नहीं हुई। चिटफंड कंपनी में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच क्यों नहीं हुई। हम डरेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। जनता का साथ है, जनता का विश्वास है हम पर। रमन सिंह जी ईडी का प्रवक्ता बने घूम रहे हैं, उनको बताना चाहिए किसके घर में क्या मिला। लेकिन दुष्प्रचार करने की कोशिश क्यों, मतलब कुल मिलाकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रमन सिंह को बताना चाहिए कि उसके 2003 में 2008 में आपकी कितनी संपत्ति थी और अब 2018 में आपकी संपत्ति कितनी हुई, जो निर्वाचन आयोग को दिए हो, आप ही जो दिए हो, इतना अंतर क्यों, इसकी जांच क्यों नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री कार्यालय में शिकायत की, क्यों जांच नहीं हो रही है। वो तो ऑन पेपर है, पनामा उसका नाम आया उसके लड़के का, क्यों जांच नहीं होना चाहिए। अब इसको लेकर
एक बार फिर कांग्रेस ने भी ईडी की कार्रवाई को लेकर भी सवाल पूछा है, वहां ट्वीट किया है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई, रमन सरकार के कार्यकाल में घोटालों को कांग्रेस ने याद दिलाया। नान घोटाले में 33,000 करोड़ का घोटाला हुआ, पनामा पेपर घोटाले को कांग्रेस ने याद दिलाया। यहां उंगली उठा रहे हैं तो चार उंगली उनकी तरफ भी है। जो आरोप रमन सिंह लगा रहे हैं उसे तथ्यों के साथ प्रस्तुत करें। देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री झूठ बोल के राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री के ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, तो उनका यह फर्ज बनता है कि उसको साबित करें। मुख्यमंत्री ने चुनौती दी है कि रमन सिंह जी जो आरोप लगा रहे हैं उसके तथ्य प्रस्तुत करें। जो आरोप लगाता है वही तो तथ्य प्रस्तुत करता है। और इसके साथ ही रमन सिंह जी को यह भी जवाब देना चाहिए कि उनके समय जो नान घोटाला हुआ था 36,000 करोड़ का, उसमें मैडम सीएम कौन थी? जो उनके पैतृक निवास के पते में अभिषेक सिंह नामक व्यक्ति पनामा पेपर में आया था उसके बारे में उन्हें सफाई देना चाहिए। डीकेएस घोटाला के बारे में उन्हें सफाई देना चाहिए। देखिए, रमन सिंह जी जब उंगली उठा रहे हैं तो चार उंगलियां उनकी तरफ जा रही हैं। पहले उन चार उंगलियों को उनको सफाई देना चाहिए। और जो आरोप आप लगा रहे हो, यदि आप में दम है तो सारे आरोप का तथ्य प्रस्तुत करिए। और इधर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा है। वो कह रहे हैं, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है? पैसा और सोना छत्तीसगढ़ की धरती ने उगला है, जांच तो पूरी होने देना चाहिए। आपको और देशवासियों को पूरी जानकारी मिलना चाहिए। तो ईडी के छापों पर रमन और भूपेश लगातार बढ़े। दूसरी तरफ बीजेपी के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया है, और लगातार ट्विटर वॉर चल रही है, बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे पर छीटाकशी की जा रही है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, एक दूसरे को उसके घोटाले याद किए जा रहे हैं, याद दिलाए जा रहे हैं, पर घोटाले तो हुए हैं, सरकार तो दोनों की ही है। अब सवाल यह है कि पुराने घोटाले हैं तो राज्य सरकार भी जांच कर सकती है, एसआईटी बिठा सकती है और बिठाई भी है पहले कई मामलों में। दूसरी बात यह कि अभी नए जो ईडी के छापे पड़ रहे हैं उससे अगर कोई तिलमिलाया है तो उससे भी लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। दूसरी तरफ अजय चंद्राकर कह रहे हैं अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आ रहा है। साफ तौर पर यह समझ लिया जाए कि यह चुनाव आसान नहीं होगा छत्तीसगढ़ के लिए। और दूसरी बात यह कि कम से कम इन सबके बीच अगर जनता पिस रही है और उसका पैसा कोई खा रहा है तो वो सामने आना चाहिए। देखिए बिल्कुल विजय, छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को एक साल से भी कम, एक साल करीब बचा हुआ है। निश्चित तौर पर उसके पहले जो है सियासी बयानबाजी खूब देखने को मिल रही है। जिस तरह से दो दिन पहले पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने प्रेस वार्ता किया और प्रेस वार्ता करके सीधा आरोप जो है सीएम भूपेश बघेल पे लगाया था कि कांग्रेस पार्टी और सीएम भूपेश बघेल जो सोनिया के एटीएम बने हुए हैं। इस बयान के बाद जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल का प्रतिक्रिया आया और सीएम भूपेश बघेल ने साफ कह दिया कि जो रमन सिंह ने मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाए हैं, उसका साक्ष्य दे, अगर साक्ष्य नहीं देंगे तो मैं उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकूंगा। जिसके बाद जो है ट्विटर वार शुरू हुआ। डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट किया। डॉक्टर रमन सिंह ने भी कहा कि भूपेश जी कहते हैं कि बीजेपी के बुलाने से ईडी छत्तीसगढ़ आती है तो इसका साक्ष्य दे, अगर इसका साक्ष्य नहीं दिए हैं तो मैं भूपेश बघेल के ऊपर मानहानि का दावा ठोकूंगा। मानहानि का दावा चल रहा था, दोनों एक दूसरे के ऊपर मानहानि का दावा ठोकने का बात करते हैं। लेकिन अब जिस तरह से पुराने पन्ने जो काफ़ी सालों से बंद पड़े हुए थे अब वो भी पन्ने पलटने शुरू हो गए हैं। जिस तरह से ट्विटर में अब नान का जिक्र आ रहा है, पैनामा का जिक्र आ रहा है, चीट फंड का जिक्र आ रहा है, तो निश्चित तौर पे सत्ता पक्ष में कांग्रेस की सरकार है और कहीं कांग्रेस मजबूत है देश भर में तो वो छत्तीसगढ़ है। ऐसे में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया जाए, शायद यही हो सकता है कि जिस तरह से बयानबाजी अब सामने आ रहे हैं। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने साफ कह दिया है कि अगर रमन सिंह साक्ष्य नहीं देंगे तो मैं मानहानि का दावा ठोकूंगा। लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने यह भी कहा है कि सबसे बड़ा जो घोटाला है छत्तीसगढ़ में चीट फंड में हुआ था 6,500 करोड़ का। मैंने पत्र में लिखा है भारत सरकार को जांच करने का, आखिर उसका जांच क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि चीट फंड वही कंपनी है जिसका डॉक्टर रमन सिंह सीएम रहते हुए खुद उसका जाकर जो है फीता काटे थे, लेकिन उसका जांच क्यों नहीं हुआ? पनामा में अभिषेक सिंह का नाम आया, उसका जांच क्यों नहीं हुआ? सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पे ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये एजेंसी काम कर रही है। तो कुल मिलाकर इसको लेकर अभी सियासत थमने वाला नहीं है। अब पुराने पन्ने खुले हैं तो निश्चित तौर पे बयानबाजी भी उसी स्तर के होंगे और निश्चित तौर पे अभी इसको लेकर जो है सियासत काफी गर्म है और ये मामला भी थमने वाला नहीं है। क्योंकि एक के बाद हम देख रहे हैं, कल रात को
डॉक्टर रमन सिंह ने भी ट्वीट किया, फिर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर उनको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय जो भ्रष्टाचार के पितामह है वो डॉक्टर रमन सिंह है। तो कुल मिलाकर चुनाव जैसे से नजदीक आ रहा है तो निश्चित तौर पे बयानबाजी भी काफी तीखा होगा और वही तीखा बयानबाजी जो है छत्तीसगढ़ की सियासत में अब देखने को मिल रहा है। शुक्रिया कुलेश्वर इस तमाम बातचीत के लिए। तो बयानबाजी एक दूसरे की तरफ से जारी है, बार पलटवार जा रही है, ट्विटर पर वॉर चल रही है, एक दूसरे पर छींटाकछी की जा रही है, पुराने घोटाले याद दिलाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ ईडी की भी कार्रवाई है उसको लेकर भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। यानी कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल राजनीतिक छींटाकछी, बयानबाजी और ट्विटर पर एक दूसरे के खिलाफ बयान देखने को जरूर मिलेगा।